जोशीमठ की दरारों की वजह से औली में पर्यटक नहीं पहुंच रहे। जोशीमठ और औली के बीच की दूरी 7 किलोमीटर से भी कम है। यही वजह है कि यहां जाने से लोग अब कतरा रहे हैं, जिसका सीधा असर स्थानीय लोगों के कारोबार पर पड़ रहा है। जोशीमठ को मिली कुदरत की सजा अब धीरे धीरे उत्तराखंड के टूरिज्म पर असर डाल रही है। जोशीमठ के पास औली की एक खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन इन वादियों को देखने के लिए कोई पर्यटक यहां नहीं पहुंच रहा। इस वक्त हम जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर औली में मौजूद हैं। औली को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है। देश दुनिया से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन जोशीमठ पर आए संकट की वजह से औली शांत पड़ा है, औली खाली है। औली में पर्यटकों की संख्या काफी कम हो चुकी है। तस्वीरें आप मेरे पीछे आसपास चारों तरफ देख पा रहे होंगे, कोई पर्यटक आपको औली में दिखाई नहीं दे रहा है। बर्फबारी भी यहाँ हो चुकी है, बर्फ भी पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। वजह क्या है? जोशीमठ में भू धसाव और मकानों में आ रही दरार, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। अगर आप कार से जाना चाहें तो 20 से 25 मिनट में जोशीमठ से औली पहुंच सकते हैं, लेकिन जोशीमठ के हालात को देखकर पर्यटकों ने औली से किनारा कर लिया है। हालात ये हैं कि यहाँ पर्यटकों की संख्या में 80% तक गिरावट आई है, जिसका असर यहाँ के कारोबार पर भी पड़ा है। जो है 100 में से 80% टूरिस्ट कम हो गए यहाँ पर, केवल 20% टूरिस्ट आ रहे हैं। तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? रोजगार में काफी फर्क पड़ा है, बिल्कुल डाउन हो गया बिल्कुल। कैसे घर परिवार चलेगा सर? कैसे चलेगा बिल्कुल, ये इसी के कारण हो रहा है, बिल्कुल डाउन हो गया सीजन इधर इस बार। बिल्कुल बोलेंगे औली आना बिल्कुल सेफ है। हाँ। यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे बाईपास है जोशीमठ से औली आने के लिए, आप बिल्कुल यहाँ का लुत्फ उठा सकते हो। सर इसके दरार पड़ रही है, भूदशा हो रहा है, इसके कारण यहाँ टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, तो उस कारण सर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल कम हो चुकी है। और देखे कि हमारे गाइड सभी इधर ही हैं, अभी सुबह से कोई गया ही नहीं है ऊपर। यहाँ पर अलग अलग कारोबार में जुड़े हैं, उनके मुताबिक उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से चौपट हो गई है। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि औली सेफ है, आप औली इस पर्यटन केंद्र पर आइए, पर्यटकों को आने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जोशीमठ पे जो खतरा आया है, उससे लोगों के मन में डर जरूर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, औली, जोशीमठ, उत्तराखंड।